हाय एवरीवन, सो ही इज अमित एंड आई एम रौनक और हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आज. और मैं पटना आया हुआ हूँ. आज तारीख है 22 दिसंबर 2020. 2020 में हम लोग मिल रहे हैं तो यही बहुत अच्छी बात है. मास्क क्या हमारे पास वैसे? हाँ, कुछ बता रहे हो अमित. आई थिंक हम इसी साल पहले भी मिल चुके हैं एक बार. वो हम मार्च से पहले मिले होंगे, लॉकडाउन से पहले ही मिले होंगे, होली से पहले, जब जनवरी में मैं दिल्ली जा रहा था. यस, तो फिलहाल प्रियंका का वेट हो रहा है. प्रियंका आने वाली है. ये वीडियो को हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब प्रियंका आ जाएगी. और लाइक ठीक है, अभी 1000 रुपये का फाइन भी हो गया गाड़ी पे क्योंकि रॉन्ग यू टर्न ले लिया था. और अब हमको यहाँ से तुरंत वापस लौटना भी है. तो टाइम हो रहा है कुछ 8:04 रात के. और हम हैं अभी गांधी मैदान के मैकडॉनल्ड्स में. और अमित कह रहा है घर चलने को, लेकिन अमित अभी बहुत आज और प्रियंका जो भी काम हम करके आ रही है तो पार्टी प्रियंका देने वाली है ऐसा हम सोच रहे हैं. 1000 रुपये मेरे चले गए ऑलरेडी, तो अब मैं तो दूंगा नहीं, तो मैं दे सकता हूँ, बट उससे पार्टी लेना है तो उसी को देना है. चलो ठीक है, ये दोनों मिलके पार्टी देंगे. ओके, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब प्रियंका आ जाएगी. बाय बाय. ये देख लीजिए, दिस इज द पर्पल मैकडॉनल्ड्स. ओके, सो हम वापस से वीडियो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. और अभी हम बैठे हैं प्रियंका के साथ और प्रियंका आ गई है. और हम लोग अभी वीडियो से पहले यही बात कर रहे थे कि कौन पार्टी देगा, तो फाइनली वो आ गई है. वी आर सो हैप्पी. कौन दे रहा है? देखो, ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन प्रियंका आ गई है तो 1,00,000 रुपए कमा रहे. मैं तो दे नहीं सकता, सिंपल सी बात. पाँच हाँ, बिल्कुल सही बात है. मुझे क्या, मैं तो बेरोजगार, 5,000 रुपए फाइन हो गया. 1,00,000 है जितना तुम्हारा सैलरी होता है, अभी हम दे क्या. ये तो प्रियंका कितने सालों के बाद मिल रही हो तुम? लास्ट हम मिले थे नोएडा में, और नोएडा के बाद हम लोग शादी हो गया अभी. मिल रहे बढ़ता हुआ वक्त हमें नई मंजिल पर खड़ा पाएगा. कभी तुम लड़खड़ाओगे तो कभी संभलते हुए मुस्कुराओगे, कभी तुम मुस्कुराओगे तो कभी हम मुस्कुराएंगे. साथ मिलकर ठहाके लगाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि ये नया साल बहुत खास है. इसमें हमारे बुने माया जाल से बना एक अजीब सा एहसास है, जादू है, नशा है इसमें. मेरे इस कविता की तरह बहकी बहकी बातों सा मिठास है. नया साल, नई बातें, नया रोमांच. हैप्पी न्यू ईयर 2021.